लाजवान न्यूज के शाकिर चौधरी मौजूद है मीरपुर बाजार की जो मंडी लगाई गई है। इस मंडी में आपको बताते चले कि यहाँ पे तमाम इलाका जहाँ से यहाँ पे जानवर लाए गए हैं और यहाँ के लोगों की यहाँ के वासियों की जो लोग बाइस भी हैं वो भी SOP पे मुकम्मल तौर पर अमल दरामद कर रहे हैं। यहाँ पे पुलिस के अहलकार इंतजामिया के लोग और डॉक्टर की टीम भी यहाँ पे मौजूद है, किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए वो यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद हैं, सबसे पहले इनका नाम जानेंगे और फिर पूछेंगे कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं और इनकी जिम्मेदारी क्या थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या आपका? जी मेरा नाम सैयद आदिल है। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगी है इंतजामिया की जानब से, आप यहाँ पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, आपकी ड्यूटी में कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं? जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, सेम वही बीमारी है, ठीक है। ये चिचड़ मार रही है, बेसिकली जो है चिचड़ों से फैलती है, ठीक है। उन्हें ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हमारी जो है ना अब लेन जो है ड्यूटी और उसके लिए फ्राइज सारी जान दे रहे हैं, ठीक है। और उसके अलावा बाकी हंगामी सूरत हाल के लिए निपटने के लिए, मतलब कोई जानवर बीमार हो जाता है, एनीथिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारा अमला और हम खुद यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो ड्यूटी दे रहे हैं आपकी टीम दे रही है, ये 24 आवर्स दे रही है या क्या आया कि खाली दिन के वक्त में आप यहाँ पे होते हैं? नहीं, हमारी ड्यूटी जो है तकरीबन वो 24 ठीक है, और नाइट जो है वो हमारी ऑन कॉल ड्यूटी यहाँ पे होती है। अच्छा कांगो वायरस की आपने बात की है कि क्या आप कहेंगे कि यहाँ पे जो जानवर हैं तो इस तरह के केसेस आपके सामने आए हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कोई केसेस सामने नहीं आया? अल्हम्दुलिल्लाह कांगो वायरस के हवाले से हमारे ट्रिस पॉइंट पे जहाँ पे जानवर पंजाब साइड से दाखिल होता है, आज़ाद कश्मीर या मीरपुर में दाखिल हो रहा है, वहाँ पे हमारे अहलकार मौजूद हैं जो उनको स्प्रे कर रहे हैं। और इसके अलावा जो ही ये मंडी में एंटर होते हैं वहाँ पे भी इनके वायरस स्प्रे हो रहा है, ठीक है। तो इसके हवाले से हमारे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन कोई ऐसी बात नहीं अभी तक ज़ाहिर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे सैनिटाइजर भी नस्ब किया गया है, जो लोग एंटर होते हैं वो सैनिटाइजर से वो मशीन से गुजर के आगे आ रहे हैं और यहाँ पे दूसरी बात समाजी फासले को यकीनी बनाया जा रहा है। मुझे ये बताएं कि आप यहाँ पे ड्यूटी दे रहे आप हमसे ज़्यादा बेहतर यहाँ पे आपने देखा होगा, हमने अभी सर्वे किया कि यहाँ पे SOP पे अमल दरामद आपके कितने फीसद नज़र आ रहा है आपको, क्या आप मुतमिन हैं मुकम्मल तौर पर? जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह यहाँ पे तकरीबन जो है SOP पे पूरी कोशिश है कि वो इस पर अमल दरामद हो रहा है, ठीक है। जितने मर्जी आप नज़र अपनी दौड़ाएं तो तकरीबन आप देख सकते हैं कि मास्क वगैरह एनीथिंग सारा कुछ है, सैनिटाइज़र है, मतलब कि हर तरफ से ऐसी चीज़ पर पूरी कोशिश है इस पर अमल दरामद हो रहा है। जी ठीक ठीक। और बिल्कुल जी आप देख सकते हैं जानवर हैं और यहाँ पर जानवर लाए गए हैं। भाई क्या नाम है आपका? अच्छा कहाँ से आए आप? जिला खानेवाल। अच्छा मियाँ चंदू से आए, मुझे ये बताएं आप यहाँ मुतमिन हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है आपको? परेशानी है, रेट नहीं लगता सही। क्या वजह है, क्यों रेट नहीं लगा पिछले साल की नस्बत इस वक्त रेट कम है? 15,000 बात लगा। अच्छा अच्छा 15,000 का फर्क है। और अभी एक हमारे साथ बुजुर्ग मौजूद है, सबसे पहले नाम जानेंगे, क्या नाम है भैया? अच्छा साहब मुझे ये बताएं कहाँ से आए आप? जिला खानेवाल। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ मीरपुर के लोग आपके साथ सही काम कर रहे हैं? सही है। और जो जानवर हैं क्या कह रहे हैं कि रेट महंगे क्यों हैं, महंगे क्यों इस बार? नहीं मुझे ये बताया पिछले साल की नस्बत 10,000 महंगा दिया। 10,000 महंगा ठीक ठीक। आपको ये जो व्यापारियों की जो मसाइल है ये कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे कोई मसला नहीं है, इंतजामिया की जानब से यहाँ के लोगों की तरफ से वो तावन कर रहे हैं, लेकिन जो जानवर हमें वहाँ से महंगे मिले हैं और यहाँ पे जानवर जब हम फरोख्त कर रहे हैं तो हमें मसला हो रहा है। यहाँ पे हम बात करेंगे मजीद लोगों से भी, हम कोशिश करेंगे बात करें, आपको लिए चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं हम आगे की सिचुएशन। चौधरी इखलाक साहब मौजूद हैं यहाँ पे, ये ठेकेदार हैं मंडी के और यहाँ इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे कि यहाँ पे हमने व्यापारियों से जैसे बात की, उन्होंने कहा हम तो मुतमिन हैं, हमें SOP पे अमल भी हो रहा है, इंतजामिया भी प्रॉपर तावन कर रही है, यहाँ के लोग भी तावन कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने रेट का कहा है। उनसे पूछेंगे सबसे पहले कि ये जो यहाँ पे मंडी लगाई है गाहकों का रेशियो क्या है, गाह किस तादाद में आ रहे हैं? जी गाहक अपनी रूटीन से आ रहे हैं, का ट्रेंड है आपको पता है कि ठंड में आखिरी जो दो तीन दिन में होते हैं उसमें भी गाड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वैसे लोग देखने के लिए आ रही हैं और रेट भी मुनासिब है, इतने ज़्यादा
आप मुझे ये बताइएगा यहाँ पे पानी जो होता है जानवरों के लिए, पानी का मसला गर्मी है, इसके अलावा चारे का मसला, इस तरह का कोई मसाइल का सामना तो नहीं करना पड़ रहा? दो चार दिन पहले तक थे मसाइल, लेकिन जब से हम आए हमें अपनी अपनी मंडी संभाल ली है। ये अच्छा, आपने खुद संभाल लिया है, तो क्या ये जो पानी वगैरह चीज सारे इंतजाम होते हैं आप पे होते हैं या मुतलका इंतजामिया? ये जनाब ठेकेदार। ठीक है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे व्यापारी ऐसे भी हैं जो अभी मायूस हैं कि यहाँ पे रेट नहीं लग रहा, दिनवार नहीं बिक रहे, तो उनको क्या पैगाम देंगे? मैं तो उनको यही पैगाम दूंगा कि मीरपुर की रूटीन है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि आखिरी दो तीन उस लिहाज से वो बात का इंतजार करें, क्योंकि आखिरी दिनों में वो माल लें। अच्छा खान साहब, मुझे सबसे अहम बात बताइएगा आखिर में कि कोरोना चल रहा है, कोरोना की सिचुएशन में 800 पे अमल करता जो हुकूमत की तरफ से जारी करता की गई है, तो उन पे अमल दामद आप ठीक तरह से करवा रहे हैं कि व्यापारी और दीगर जो लोग आ रहे हैं गांव वो आपके साथ दामद कर रहे हैं और आया कि 800 पे जो अमल हो रहा है तो आप उससे मुतमिन हैं? जी बिल्कुल, हम मुतमिन हैं। 800 पे हमने तकरीबन फोकस रखा हुआ है, आपने देखा होगा ना, या जी बिल्कुल, ये हमने बात किया है ठेकेदार साहब से, खास हमारे साथ मौजूद है, इन्होंने कहा 120 पे में अमल हो रहा है और बाकी इन्होंने जो कुछ लोग यहाँ पे मंडी के जो व्यापारी है वो मायूस थे, उनको इन्होंने ये पैगाम दिया है कि यहाँ पे जो बिल्कुल जी आप सारे जानते हैं कि मीरपुर के शहरों का ये रूटीन है कि गर्मी जगह नहीं होती, इसलिए आखिर में लोग बाहर निकलते हैं और खरीदारी करते हैं। तो ये थी ताज़ा तीर आज की रिपोर्ट, हमने मीरपुर आज़ाद कश्मीर की जो मंडी है चित्रपरी के मकाम पे यहाँ से आपको अपडेट दी। इसी के साथ कैमरा मैन इत्शाम अहमद के साथ शाकिर चौधरी, लाजवाब न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।